ये कुत्तों का कोई पॉइंट होता है ना, वो करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, तो चिकन कर दो। बहुत सारी जनता देख ली मौज की बाबू, मेरा ईगो हर्ट कर दिया। अगर एक सेकंड के अंदर इसने अगर मुझे हाथ नहीं मिलाया ना, तो तुम मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। पहले सब्सक्राइब तो कर लो उसके लिए। टाइम आ चुका है गाड़ी तेज चलाने का, कानों में लीड लगा के। मौज की बाबू बाय बाय। कपड़ा तो मार देती गाड़ी पे, लात मार दो। मत की क्या कर लियो, चालू मत करियो। गाने चलाने जरूरी हैं, पीछे से कोई मार जाए टक्कर, मार जाए ठीक है। गाइस ये देखो, तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम्हारा भाई आ रहा है कॉलेज। गाइस क्लास हो चुकी है अभी, भाई दिमाग की ऐसी तैसी हो गई, लेकिन सर ने बहुत बढ़िया वो दी नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं दी पर आगे की बहुत सारी नॉलेज। तो अभी चलते हैं सीधे घर पे, तो नहीं जा रहे अभी, मेरे को वेब रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब मेरे को दाखिला लेना है उस क्लास में जिस क्लास की मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। तो अभी क्लास वो लेने चलते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने चलते हैं। पहले एडमिशन तो ले ले जिस क्लास में, लेकिन मैं ले ली वो क्लास फिर भी, पर चलो कोई नहीं। बाकी ये देखो गाइस पूरी पार्किंग खाली है, अभी बच्चे आ नहीं रहे, लोग तो आ रहे हैं पर पता नहीं कैसे आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। चलो भाई हम तो चलते हैं अपने, अब भूख लग रही है भाई इतनी, 2-3 बजने वाले हैं, 4-4:30 बजे जिम जाना है, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है। वैसे सही भी है, थोड़ा ज़्यादा थकूँगा तो ज़्यादा डाइट हो जाएगी, ज़्यादा खाना पीना। यार मैं ना ऐसे टाइम पे वो बहुत मिस करता हूँ यार, क्या कहते हैं वो GoPro, भाई यार मतलब मैं बाइक चलाते चलाते GoPro का यूज़ करूँ, साथ साथ व्लॉगिंग भी हो जाए। मैंने जैसे क्लास में वो था, क्या कहते हैं खाली क्लास थी जब सर वगैरह नहीं आए थे, तो मैंने अपना वो मिनी व्लॉग एडिट कर लिया। और जैसे मैं कॉलेज आया करूँगा, अगर मेरे पास GoPro होगा तो मैं आते आते व्लॉगिंग कर लूँगा, जाते जाते व्लॉगिंग कर लूँगा, आधी व्लॉगिंग घर पर कर लूँगा, मस्त काम हो जाएगा। निकालेंगे गाइस सॉल्यूशन इसका भी, फिलहाल अभी तो घर चलते, लेट्स गो गाइस। घर पे पहुँच चुके हैं जूस के साथ में, और हमारे मौज की बाबू हमारे उसमें स्वागत में आ चुके हैं। चलो मौज की बाबू आपको थोड़ा प्याल कर ले जाए, गाड़ी लगा दिए गाइस अपनी। मौज की बाबू आपके लिए जूस लेके आया हूँ मैं, मौज की बाबू बोला साला तुम तो रोटी के लिए देख रहे हो, रोटी 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 रोटी। खाना बन गया, बन गया बस, तू ये मांगे 10 मिनट दे दो उसमें। अम्मा से कहूँगा आपकी अम्मा से, आज मंगलवार है इसलिए मैंने बना नहीं दिया। गाइस कॉलेज के बाद तुम्हारा भाई जिम जाने के लिए रेडी हो चुका, चलो खा पी के पनीर रोटी चलते हैं जिम। वर्कआउट डन, टी शर्ट उतार के दिखाऊं, ओके बाहर के लिए बैठा था गर्मी में। अबे अबे सोड़ा मौज की बाबू हम तो मैं लाजा की तरह लगने चाहते हैं, लेकिन तुम सोड़ा कुत्तों की तरह लेना चाहते हो। मौज की बाबू गलत बात है ना तुम्हारी, मेरा बाबू है गाइस ये देखना, प्यारा सा सुअर है लेकिन ये बहुत बड़ा मेरा, लेकिन बाबू है मेरा बाबू है, इसको बहुत मज़ा आता है, इसको कोई ऐसे वो करे ना ऐसे करी, देखो आंख बंद कर लेगा अभी सर नीचे कर लेगा ऐसे लेट जाएगा। अरे ये कुत्तों का कोई पॉइंट होता है ना, वो करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो टांग हिल जाती है, इसका यही वाला पॉइंट है शायद, वो ये रहे। देखो 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 देखना। मौज की बाबू ये क्या कर रहे हो तुम, ओ भाई ये तो इसका ये वाला पॉइंट है, मेरे को ये लगता था उसका पॉइंट, ये हवा करता हूँ मज़ा आ रहा है।
ओ गाइस देखना मौत की आओ साले तुम्हारे पॉइंट तो लिए मैंने साले तुम्हारे पॉइंट पता पड़ गए मेरे को। लाओ ये जीप मुझे दो ये जीप साला। चिकन कर दो चिकन चिकन कर दो। बहुत सारी जनता देख ली है मौज की बाबू, 6-7 लोग देख ले तुम्हें। चिकन कर दो मौज को चिकन। ओए मौज की बाबू साढ़े इतना हाथ में उससे मांगता ना तुरंत दे देती। मौज की बाबू चिकन चिकन मौज की बाबू दे रही इसके पीछे है मौज को के मुझको बाबू साले तुम्हारे तो हाथ तो टेढ़ा ही नहीं हो रहा सीधा 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 का सीधा है। बस साले इतनी देर से प्यार से बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही तुझे समझ नहीं आ रही तुझे। तो सेकंड कर चल सेकंड कर जल्दी यार सेकंड। देखो अब नहीं कर रहा ना ये अब देखना एक सेकंड के अंदर देखना। गाइस इसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया। अगर एक सेकंड के अंदर इसने अगर मेरे से हाथ नहीं मिलाया ना तो तुम मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। पहले सब्सक्राइब तो कर लो उसके लिए। अभी देखो एक सेकंड के अंदर बस ले सेकंड। साढ़े साढ़े अब तो ये देखना स्पीक स्पीक सेकंड एक और बार अब तो बिना 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 बोली भी करेगा। साले साले तुम बहुत अलामी हो तुम बहुत अलामी हो लो साले लेकिन अपने ही हो। खा ले देखना दो केले काश वो भी मेरे साथ ऐसी होती बैड लक। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा है तो आज रात में क्या पंप है। एंड भाई वर्कआउट इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि एक्सरसाइज करने में इतना वो हो गया था ना मगन। इसलिए मतलब अगर ऐसा होता है ना कि वीडियो शूट करने वाला कोई अलग इंसान हो और तुम अपने जोन में वर्कआउट कर रहे हो तो सही रहता है। अब भाई कैमरा मैन किसको पकड़ाऊंगा अपना फ़ोन तो बस इसलिए जिम में आज बहुत दिनों बाद अच्छा वर्कआउट हुआ है शोल्डर का। इसी के साथ गाइस वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मिनी व्लॉग भी देख लिया करो। मिनी व्लॉग भी डालता हूँ रोज नहीं डालता डाल ही नहीं पाता यार मतलब वो ही नहीं आती क्या कहते हैं मोटिवेशन। चलो बाय बाय टेक केयर गाइस। जैसे मुझे एक बात बतानी थी जैसे कोई मोटिवेशन नहीं आती जैसे मेरे को वीडियो बनाने की मोटिवेशन नहीं आती। चलो एग्जांपल लेते हैं ठीक है क्यों नहीं आती क्योंकि व्लॉग में वो नहीं आते व्यूज नहीं आते लाइक नहीं आते। चलो ठीक है कोई नहीं आएंगे आ जाएंगे कोई नहीं। पर मोटिवेशन कम हो जाती है जिम मेरे को जिम जाने की भी मोटिवेशन नहीं आती लेकिन मेरे को मोटिवेशन कब आती है जब मैं ऐसे शीशे के सामने खड़ा होता हूँ ना ऐसे करके बाइसेप दिखता है नस चमकती हैं टी शर्ट पहनता हूँ टी शर्ट टाइट आती है तो मतलब वही है रिजल्ट आना भी ज़रूरी है। अब रिजल्ट कब आएंगे जब कंसिस्टेंट रहेंगे। अब कंसिस्टेंट कब रहेंगे जब मोटिवेशन होगी। अब मोटिवेशन कब होगी जब रिजल्ट आएंगे। टी शर्ट में अपने आप को देखते हैं टी शर्ट यहाँ से टाइट आ रही है यहाँ से टाइट आ रही है यहाँ से कम है और यहाँ से टाइट आ रही है बाइसेप पे से टाइट आ रही है लोग देख रहे हैं मुड़ के ऐसे जिम में भी बाहर भी कम मतलब सारा वसूल हो जाता है जाना जिम जाना खाना पीना मतलब ऐसे वसूल हो जाता है पूरा। वो नहीं रिग्रेट नहीं होता कि यार क्या जिम में इतना दर्द कर रहे हैं फ्री में दर्द लेके आ रहे हैं वो नहीं होता भाई। और जब शीशे के सामने खड़े होते हैं ऐसे बनियान में मज़ेदार। तो बस वही है भाई क्या कहते हैं मोटिवेशन तो ऊपर नीचे होती रहती है। डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है तो जो मतलब डिसिप्लिन में सही में रहना बहुत ज़रूरी है यार मैं भी नहीं रह पाता यार। डिसिप्लिन में रहोगे तो कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट आएंगे भाई। ये बातें करना तो बहुत आसान है लेकिन इसको फॉलो करना ना उतना ही मुश्किल है। चलो फिर करके देखते हैं धीरे धीरे आए या ना आए। चलो ठीक है बाय गुड नाइट।